A very warm good evening, mere bahut pyare bachcho. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu Biotronic, I welcome you all aaj ke bahut zyada amazing session pe. Kaise hai mere bahut pyare, bahut amazing, super awesome chunnu munnu gangsters? एकदम बढ़िया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टार्ट करवाने वाली हूँ. अब आज से हमने एक नया चीज शुरू कर दिया है. वो नया चीज क्या है मैं आपको बताती हूँ. हम एक चैप्टर को 2 या 3 दिन में फिनिश कर देंगे और चौथे दिन हम उसका सारे का सारा एमसीक्यूज कर लेंगे, ताकि हमारा पूरा चैप्टर एकदम सॉलिड तरीके से एकदम फुल टू डन हो जाए वर्क से. तो आज मैं आपको मेरिस्टमैटिक टिश्यूज और सिंपल परमानेंट टिश्यूज करवा देने वाली हूँ, और कल फिर मैं आपको ज़ाइलम फ्लोएम स्टेम रूट करवा कर इस चैप्टर को मैं परसों तक सील कर देने वाली हूँ. दैट्स द न्यू थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू. हम सारे टॉपिक्स को 3 दिन के अंदर फिनिश कर दिया करेंगे, जस्ट इन 3 डेज. 4th डेज का टेस्ट लेंगे. तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 3 दिन के अंदर मैं आपके सारे टॉपिक्स को सील करवा दूंगी. यो मैम लिख दो चैट सेक्शन पे अभी के अभी, फटाफट मुझे यो मैम चाहिए चैट सेक्शन पे. एंड ऑब्वियसली थर्सडे को मैं इसका सुपर बम्पर टेस्ट लेने वाली हूँ, फुल सिलेबस मतलब इसका पूरा टेस्ट लेने वाली हूँ. फ्राइडे को आप सबके लिए मैं बहुत अमेजिंग कुछ चीज लेकर आई हूँ. मेरे जितने भी क्लास 12th के मैस्कॉट्स हैं, उन सारे के सारे बच्चों का एक बहुत अमेजिंग चीज हुई है कि भैया उनके हाफ ईयरली एग्जाम आ गए, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई एकदम थोड़ा जोरों शोरों से चल चुकी है. तो फ्राइडे के दिन मैं 5 आवर्स का मैराथन लेने वाली हूँ, 5 आवर्स का मैराथन. और उस 5 आवर्स के मैराथन में मैं आपको टोटल मतलब 100% टॉपिक आपका कवर करवा दूंगी. डन. जितना भी आपका आपका जेनेटिक्स आ रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो चलिए आ रहा होगा, शायद नहीं आ रहा है, देखती हूँ, आपसे पोल पे पूछ लूंगी मैं, और वो सब कुछ करवा दूंगी. तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट किया जाए. यो मेरे बच्चों, एवरीबॉडी इज देयर विद मी. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम डॉक्टर वानी है. पिछले 14 या 15 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ. अगर मुझे एक चीज मिली है, अवार्ड रिवॉर्ड बच्चे सब्सक्राइबर ये तो मिलते रहते हैं, अगर मुझे एक चीज मिली है वो है ढेर सारा प्यार और ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इसीलिए मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं किसी भी बच्चे को, फीस अगर किसी के पास नहीं है उसको ये नहीं फील आना चाहिए कि यार अब मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती. ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, आप प्लीज इसे ज्वाइन कीजिए. टेली लाइव में लूंगी सैटरडे और संडे को, सो दैट यू आर ऑल विद मी एंड वी ऑल कैन स्टडी टुगेदर. आई प्रॉमिस कि यार मैं हर एक स्टूडेंट, भले ही वो देश के किसी भी कोने से हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आई प्रॉमिस कि हर एक बच्चे को मैं फ्री में पढ़ाऊंगी. इट इज द मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड चाइल्ड इस देश का क्यों ना हो. आई एम गोना मेक श्योर दैट आई टीच एवरी सिंगल चाइल्ड फॉर फ्री. Yes, everyone, that's my promise to each one of you. चलिए, let's get started. हर घर वेदांतु करना है, हर एक बच्चे को, the most underprivileged child also of the country has to be taught for free. अगर आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप नहीं करने दे रहे, कोई प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स समझ नहीं रहे, आपके पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि कैसे आपको पढ़ने देना चाहिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आई एम गोइंग टू डू अ पेरेंट टीचर मीटिंग. प्लीज मुझे बता दीजिएगा किस टाइम पे आपके पेरेंट्स फ्री रहते हैं. जितने भी टाइम पे आपके पेरेंट्स फ्री रहते हैं आप बस मुझे बता दीजिए. आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा अमेजिंग पेरेंट टीचर मीटिंग रखने वाली हूं. डन. इज दैट क्लियर? बहुत अमेजिंग पेरेंट टीचर मीटिंग रखने वाली हूं, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, यार कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे बता देना. यस एवरीवन, आई विल बी विद यू, आई विल टेक अ पेरेंट टीचर मीटिंग एंड आई विल लेट यू नो. डन. ठीक है, संडे को लूंगी, ताकि आपके पेरेंट्स घर पर देखिए वेदांतों के कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया यार. ऑल इंडिया रैंक 429, 680 स्कोर पे ध्रुव कृष्णा का यार. सुप्रातिक का स्कोर देखिए, ध्रुव का स्कोर देखिए, 680 स्कोर, 675 पे यू नो अरियेश है, गौतम है, आप बस देखिए गौतम शंकर. Can you just see so well these students are doing? Gautam Sankar to yaar mera apna student hai, Gautam Sankar. Right? I've taught this child for 2 years aur dekhe 673 score kiya hai Gautam ne. So this is like, I think this is phenomenal. Jo bachche give up nahi karte hain, wo dekho kitna achha perform kar le jate hain. Done? अब नाउ वेबअप इज आस्किंग मैम व्हाई वी जंप फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टू एनाटॉमी, व्हाट अबाउट द मिडिल चैप्टर्स. तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक पोल किया था और आपसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए. पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, मैं हर टॉपिक ऐसे पोल करती रहूंगी, और जो भी टॉपिक आपको लगता है कि यार मैम मुझे ये वाला टॉपिक करना है, 11th के 3, फिर 12th के 3, फिर 11th के 3 दिन में, ऐसे करके मैं दोनों के सिलेबस आपको खत्म करवा दूंगी.
डन, इज दैट क्लियर मैस्कॉट्स? चलिए तो ये देखो एनाटॉमी आपका 13th, 14th, 15th डन। उसके बाद मैं आपका 15th को क्या ले रही हूं, 12th आ जाए, 12th, 13th, 14th, इन तीन दिन में मैं आपकी एनाटॉमी खत्म करा दूंगी। 15th को मैं एक वीक क्विज ले लूंगी एवरीबॉडी, और 16th को आपका हाफ ईयरली सिलेबस हो जाएगा। ओके एवरीवन, डन, कैन वी स्टार्ट? आज के सेशन में मैं आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज और साथ में सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ये दोनों के दोनों चीजें आपको करवा दूंगी। लेट मी कंटिन्यूसली लुक एट योर चैट्स हियर, डन, ठीक है? आपको एनिमल किंगडम पढ़ना है, प्लांट किंगडम पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है आप बता दो, वी आर गोइंग टू बी इन दिस टुगेदर, आई विल डू द एंटायर टॉपिक विद यू। चलिए गाइस, कोरा पे मैं रोज एक आंसर दे रही हूँ, प्लीज मेक श्योर दैट आप उसको देख रहे हैं, और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है यार, कोई प्रॉब्लम इसको स्कैन कर लो, मुझे मैसेज कर दो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टिश्यूज, करें स्टार्ट। तो टिश्यू क्या होता है बेटा, देखो सेल होता है, सेल जो है वो एक पर्टिकुलर काम करता है, और टिश्यू क्या होता है, अगर एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाए, कैन यू अंडरस्टैंड दैट, अगर एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाए जिनका कॉमन ओरिजिन हो, एक जगह से ओरिजिन हो, अगर एक ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाए जिनका कॉमन ओरिजिन हो, जो एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, वो उनका ओरिजिन सेम हो गया, वो एक सिंगल फंक्शन कर रहे हैं, उनको हम टिश्यूज कहते हैं। टिश्यू दो टाइप के, कुछ सेल लाइफ लॉन्ग डिवाइड करते रहते हैं, जो भी सेल आपका लाइफ लॉन्ग डिवाइड करेगा उस सेल को आप मेरिस्टमैटिक सेल कहोगे, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में स्टेम सेल कहते हैं। ये वो सेल होता है जो लाइफ लॉन्ग डिवाइड करता रहता है। कैन यू सी द वर्ड कंटिन्यूअस डिविजन एंड ग्रोथ हियर? एवरीबॉडी राइट अ यो मैम ऑन द चैट सेक्शन। ऐसा कोई भी सेल जो लाइफ लॉन्ग डिवाइड करता रहे, जो कभी भी डिविजन रोके नहीं, जो लाइफ लॉन्ग डिवाइड करता रहे, उसको मैं मेरिस्टमैटिक सेल कहती हूं। उल्टा अगर ऐसा कोई सेल है जो डिविजन करना रोक दे और एक पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस बन जाए, फॉर एग्जांपल ग्राउंड टिश्यू बन जाए, फॉर एग्जांपल जाइलम जो है वो पानी कंडक्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल फ्लोएम जो है वो खाना कंडक्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल रूट हेयर सेल जो है वो सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, ये परमानेंट सेल कहलाते हैं। ये वो सेल है जिन्होंने एक पर्टिकुलर फंक्शन को अपटेक कर लिया है। इज दैट क्लियर? यस मैम, ऑन माय चैट सेक्शन। जो सेल लाइफ लॉन्ग एक काम करेंगे उनको हम मेरिस्टमैटिक सेल कहेंगे, जो सेल लाइफ लॉन्ग अलग अलग काम करते रहेंगे, जो सेल लाइफ लॉन्ग एक काम करेंगे, यस एवरीवन, फटाफट, जो सेल डिवाइड करता रहेगा हमेशा, छोटा सेल वैक्यूल बड़ा होगा, डिवाइड 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 डिवाइड, पतली एपिथेलियम डिवाइड, उसको आप कहोगे मेरिस्टमैटिक सेल। पर जो सेल डिविजन रोक कर एक पर्टिकुलर फंक्शन अपटेक करेगा, उसको आप कहोगे परमानेंट सेल। इज दैट क्लियर एवरीवन? गाइस कोई भी प्रॉब्लम है, आज आफ्टर द क्लास में एक स्पेशल एएमए सेशन भी रखने वाली हूं, आई एम गोना टॉक टू यू। मैंने दो बार टेली लाइव लगा दिया है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन बायटोनियन ने सिर्फ देनी है। आ जाइए, प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन करते हैं, प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन डन। अब देखिए मैं आपके लिए कितनी अमेजिंग अमेजिंग चीजें लेकर आई हूं, एंड वी हैव टू डू दिस टुगेदर, डन, ओके। चलिए, सो टुडु 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 टुडु, प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? तो बेटा देखिए, यस, ये देखिए कितना अमेजिंग तरह से आपको दिखाई दे रहा है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले वो सेल जो लाइफ लॉन्ग डिवाइड करते रहेंगे, कभी भी अपने डिविजन से रुकेंगे नहीं, उन सेल्स को हम कहते हैं मेरिस्टमैटिक सेल्स। कहते हैं कि नहीं कहते वाणी मैम के मैस्कॉट्स चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, बता दो वाणी मैम को, इन्हें कहेंगे हम मेरिस्टमैटिक सेल। क्या कहेंगे इन्हें? मेरिस्टमैटिक सेल। अब ये मेरिस्टमैटिक सेल अगर टिप पे हो, जिसको एपेक्स कहा जाता है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूं, तो मैं इसको अपाइकल मेरिस्टमैटिक सेल कहने वाली हूं। अगर ये साइड में हो और बॉडी का डायामीटर बढ़ा दे, उसको मोटा कर दे, तो मैं इसको लैटरल बताने वाली हूं, लैटरल अपाइकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम। और कई बार आपने देखा होगा ऐसे नए प्लांट्स के पार्ट ग्रो कर रहे हैं, तो जो नोड्स वाले रीजन में हो उसको आप इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक सेल कहते हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? आपने कितने टाइप के मेरिस्टमैटिक सेल बनाए वाली मैम को बताइए, क्या आपने तीन तरह के मेरिस्टमैटिक सेल बनाए? अगर ये आपका प्लांट है तो जो टिप पे होगा, जो टिप को ग्रो कराएगा, आप उसको अपाइकल मेरिस्टम कह सकते हो एवरीबॉडी। क्या आप उसको अपाइकल मेरिस्टम कह सकते हो एवरीबॉडी? आज के बाद किसी ने बंक नहीं करना, पूरी बॉटनी करवाने वाली हूं मैं, तीन दिन में चैप्टर खत्म, चौथे दिन क्विज और पांचवें दिन पूरे 12th का मैराथन करवाने वाली हूं मैं। कोई भी मेरा बच्चा बंक नहीं करेगा, तीन दिन में आपको मैं ये चैप्टर खत्म कराने वाली हूँ। आज है 12, 13, 14, 15 को आपका टेस्ट होगा और 16 को होगा आपका मैराथन, बल्ले बल्ले डन।
तो अगर भैया टिप पे कुछ ग्रो कर रहा है उसको अपाइकल मेरिस्टम बोलेंगे, साइड में कुछ ग्रो कर रहा है जो आपका डायामीटर बढ़ाएगा उसको लैटरल मेरिस्टम बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे वाणी मैम, यस। और नोड से अगर कोई निकल रहा है हम उसको इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलेंगे, यस बोलेंगे, बोलेंगे ना पक्का, प्रॉमिस गैंगस्टर्स, आर यू विद मी एवरीबडी, पीडीएफ दे दूंगी, सब दे दूंगी गैंगस्टर्स, आर यू विद मी एवरीबडी। चलिए लेट मी नाउ शो दिस टू यू इन अ कंप्लीट डेप्थ, पूरी डेप्थ में करा दूंगी। सबसे पहले इधर आ जाओ, मेरिस्टमैटिक सेल लिखा है तो मेरिस्टमैटिक सेल के नीचे तीन लिखे, अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम। माइंड मैप बनाओ मेरे साथ, दिख रहा है अपाइकल मेरिस्टम एपेक्स पे होगा, लैटरल मेरिस्टम साइड में होगा, नोड से निकलेगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। डन, दिख गया सबको, दिख गया एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? वाणी मैम के चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, इज दैट क्लियर एवरीवन? परफेक्टो, जिलेटो, विलेटो, परफेक्टो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बेटा ये था आपका सिंपल, अब आते हैं आपके यार एक और टाइप के सेल्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा अब आते हैं आपके परमानेंट सेल पे, परमानेंट सेल। अब परमानेंट सेल एक तरह से होंगे बड़े सिंपल और एक होते हैं बड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जिनमें बड़ी अलग अलग तरह की चीजें होती है। सबसे पहले आते हैं सिंपल, कुछ सेल्स होंगे जो ग्रीन कलर के रहेंगे, यस और नो, यस एनसीईआरटी क्लास। कुछ सेल होंगे जो ग्रीन कलर के होंगे, जो ग्रीन कलर के होंगे उनको हम कहेंगे पैरेन्काइमा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे वाणी मैम को बता दो। जो ग्रीन कलर के होंगे मैं उनको क्या कहूंगी, पैरेन्काइमा कहेंगे। उसके बाद कुछ सेल होंगे जो स्ट्रेंथ देंगे, पौधे को स्ट्रेंथ देंगे, बट स्ट्रेंथ तो देंगे ये लिविंग होंगे, ये जिंदा होंगे, मरे हुए नहीं होंगे, इनको कहेंगे हम कॉलेनकाइमा। क्या कहेंगे वाणी मैम के गैंगस्टर्स, कॉलेनकाइमा। कुछ सेल ऐसे होंगे जो स्ट्रेंथ तो देंगे पर बेचारे उनके बाहर इतना कवर होगा मर चुके होंगे, डेड होंगे, यस और नो, इनको कहेंगे हम स्क्लेरन काइमा, जिसमें स्क्लेरेंस और स्टोन सेल्स वगैरह आते हैं। तो क्या कॉलेनकाइमा को मैं, क्या कॉलेनकाइमा को मैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कह दूं, प्लीज बता दो मुझे। इट्स अ लिविंग टिश्यू बट ये स्ट्रेंथ दे रहा है, क्या मैं इसको लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कह दूं? काजल बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, चित्रा, अनुराधा, शिफा, मेरे को। और क्या स्क्लेरेनकाइमा को मैं डेड मैकेनिकल टिश्यू कह दूं? एवरीबॉडी पे अटेंशन प्लीज एंड टेल मी यस और नो, बस मुझे ये बता दो। अगर कभी क्वेश्चन आया कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन है और कभी क्वेश्चन आया कि डेड मैकेनिकल टिश्यू कौन है, तो आप लोग आंसर कर दो कि यार मैम लिविंग मैकेनिकल टिश्यू तो कॉलेनकाइमा है, पर डेड मैकेनिकल टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ तो दे रहा है, उसके पास लिग्निन है, सुबरिन है, वो स्ट्रेंथ तो दे रहा है पर वो डेड हो चुका है, दैट इज अ डेड मैकेनिकल टिश्यू एंड द अदर वन इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑन माय स्क्रीन प्लीज टेल मी यस और नो। यस, लिविंग क्यों है? क्योंकि वो डेड नहीं हुआ है, उस सेल में अभी तक लाइफ है, उस सेल में अभी तक प्रोटोप्लाज्म है, उस सेल में अभी तक Yes, उस सेल में अभी तक न्यूक्लियस है। डेड मैकेनिकल टिश्यू के अंदर कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके बाहर पूरा कवर लग चुका है, अब अंदर बाहर कोई नहीं जा सकता, उसको हमने जेल में बंद कर दिया है। ये रहा आपका परमानेंट टिश्यू और ये रहे आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू। आप प्लीज इस माइंड मैप को देखिए, आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर मैंने तीन चीजें लिखी हुई है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में इतना ज्यादा क्लियरली, ग्रीन कलर का है, क्या मेरे सारे बच्चों को दिखता है ये ग्रीन कलर का है। कॉलेनकाइमा के अंदर एंगल्स पे थिकनिंग होगी, साइड्स पे थिकनिंग होगी, एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, और स्क्लेरेनकाइमा एक डेड मैकेनिकल टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा दो चीजों का बना होता है, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैंने आपके हाथ में कच्चा अमरूद दे दिया, अगर मैंने आपको बोला मैंने आपके हाथ में कच्चा यू नो सपोटा दे दिया जिसको आप यू नो ब्राउन कलर का होता है, अगर आप किसी के सर पे जाकर जोर से मार दोगे क्या वो आदमी मर जाएगा, येस और नो ऑन माई स्क्रीन प्लीज जल्दी बताओ। क्या बात है, मर जाएगा? बिकॉज दे हैव स्टोन सेल्स जिनको स्क्लेरेंस कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इनके पास फाइबर्स होते हैं, इनके पास स्टोन सेल्स स्क्लेरेंस होते हैं। अब जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको अपने लॉन्ग टर्म बच्चों की तरह एक दो एक्स्ट्रा बहुत अमेजिंग चीजें बताने वाली हूँ।
इस चीज को जो मैं आपको एक्स्ट्रा कराने वाली हूँ, इस चीज को हम कहते हैं वाणी मैम एडवांटेज. क्या कहेंगे? हैशटैग VMA. क्या कहेंगे? हैशटैग. ये मेरे लाइव क्लासेस में बहुत ज्यादा फेमस है, वाणी मैम एडवांटेज. या आपको थोड़ी हाई लेवल चीजें कराऊंगी जिनके ऊपर 110% गारंटीड MCQ आएगा. तो हैशटैग VMA किसी भी मेरे लॉन्ग टर्म बच्चे से पूछना ना, सबको पता है हैशटैग वाणी मैम एडवांटेज क्या होते हैं. तो बेटा ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, ये स्क्लेरेनकाइमा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पौधे को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है. तो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो होते हैं दो टाइप की चीजें होती हैं. एक बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, इनका नाम होता है स्टोन सेल्स. स्टोन सेल्स का एक और नाम होता है स्क्लेरिड्स. दिखाई देंगे आप सबको, इनका एक और नाम होता है, इनको स्क्लेरिड्स कहा जाता है. और एक इनके पास लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, इनके फाइबर्स का नाम होता है स्क्लेरेनकाइमा के नॉर्मल फाइबर्स. समझ आ गया? तो एक इनके पास स्क्लेरिड होगा और एक इनके पास फाइबर होगा. स्क्लेरिड्स का एक और नाम स्टोन सेल है. ये रॉ फ्रूट्स में होता है, कच्चा फल, रॉ फ्रूट, कच्चा एप्पल ले लो, कच्चा पियर ले लो, उसके अंदर ये स्टोन सेल्स और स्क्लेरिड्स होते हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? जो भी गुड नाइट कर रहा है उसका रैंक नहीं आएगा. गुड नाइट कर लीजिए, चले जाइए, पर पढ़ने वाले बच्चे रुकेंगे. डन. और बाकी होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है जी. ये रहा एक नंबर पर वाणी मैम एडवांटेज. दूसरा, जो भी स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा, इसके सेल्स के बाहर जो कवरिंग होती है वो लिग्निन की होती है या सुबेरिन की होती है. ये भी आपका हैशटैग वाणी मैम एडवांटेज है. किसकी कवरिंग होती है वाणी मैम को बताओ, या लिग्निन की कवरिंग होगी या सुबेरिन की कवरिंग. अब आप बोलोगे मैम ये लिग्निन सुबेरिन क्या होता है? ये ऐसे स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, पानी अंदर एंटर नहीं करता. इसे कहा जाता है बच्चों इम्परवियस टू वॉटर. यस और नो मेरे बच्चों? यस, इम्परवियस टू वॉटर. दोबारा बताती हूं. तो जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लिविंग सेल्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं. पर आप बताओ बच्चों, क्या प्लांट को कोई आंधी चल रही है, कोई तूफान चल रहा है, प्लांट ऐसे हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है, क्या प्लांट को जरूरत है थोड़ी एनर्जी की? यस मैम और नो मैम, आपको क्या लगता है, क्या मेरे प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत है? हवा चली, आंधी तूफान चला, तो पैरेनकाइमा तो लिविंग टिश्यू है, ग्रीन कलर के, फोटोसिंथेसिस कराते हैं. अब प्लांट को चाहिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ. उस स्ट्रेंथ के लिए सेल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर्स में थिकनिंग होने लगी. पूरा सेल तो नॉर्मल है, बस कॉर्नर में थिकनिंग हो गई. थिकनिंग इन कॉर्नर, इसको कहते हैं हम कॉलेनकाइमा. ये स्ट्रेंथ तो देते हैं पर ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Is that clear everyone? बच्चो, हर्षित, बैकबेंचर, अनुराधा, दिनेश, डन. अब इसके बाद जो सेल्स आएंगे उनमें पूरी की पूरी थिकनिंग होने लग गई, पूरी की पूरी थिकनिंग हो गई. दिस इज कॉल्ड द डेड मैकेनिकल टिश्यू, क्योंकि उनके पास इतनी थिकनिंग हो गई लिग्निन सुबेरिन की कि अब ना कुछ अंदर जा पाएगा ना कुछ बाहर आ पाएगा. ये कहलाएंगे डेड मैकेनिकल टिश्यू, ना कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू. तो ये रहे आपके तीन. इसके अलावा ना बच्चों, इनके अलावा, ये तो थे आपके परमानेंट टिश्यू. कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं. देखो ये थे सिंपल टिश्यूज. सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ थिंग. किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ थिंग, एक चीज के बने होते हैं. जब वो एक चीज के बने, आपने उनको क्या नाम दे दिया? सिंपल टिश्यूज. समझ आया?
सिंपल, क्या खाओगे? दाल चावल। दाल चावल खाना क्या हुआ? सिंपल खाना है। क्या खाओगे? रोटी सब्जी। सिंपल। क्या खाओगे? दाल चावल रोटी सब्जी सलाद रायता मिठाई पापड़। सिंपल हुआ कि बहुत कुछ हुआ? तो जब भी कोई चीज बहुत अलग अलग चीजों की बनी है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, मल्टीपल चीजों की बनी है। डन, आई विल कम टू लिगनिन एंड सुबुरिन इन डिटेल। तो आइए, तो एक तरफ होता है जाइलम और एक तरफ होता है फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। एम आई राइट एवरीवन? एक वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा और एक फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। एम आई राइट? यस एवरीवन। अब इनमें डिफरेंस, जो जाइलम है ना बेटा वो वेसल्स का बना है एंजियोस्पर्म्स में पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो ट्रेकिड्स का बना है जो पानी ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो जाइलम पैरेन्काइमा का बना है कहां पानी ट्रांसपोर्ट करेगा मैं बताऊंगी, और वो जाइलम फाइबर्स का बना है। तो कितनी चीजें हो गई? 1, 2, 3, 4। कितनी चीजें हो गई? हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? 4। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। यस और नो? इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। एक चीज का नहीं बना है। अगर यही बात मैं फ्लोएम की करूं तो फ्लोएम बना है आपके सीव ट्यूब का, कंपेनियन सेल का, फ्लोएम पैरेन्काइमा का और बास्ट फाइबर्स का, जो फाइबर्स होते हैं कई फ्लोएम के, तो ये भी चार चीजों का बना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? इसीलिए क्योंकि ये एक चीज के नहीं बने हुए, ये मल्टीपल चीजों के बने हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं जो भी चीजें करवा रही हूं मैं इतने डिटेल में करवा रही हूं 23, 24। एक बार आपने मेरी क्लास लगा दी आपके लिए ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि वाणी मैम की क्लास लग गई तो यार अब मुझे बोर्ड एग्जाम्स में करने की जरूरत नहीं। आपने कर लिया, आपको मैं कह रही हूँ कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं, किसी क्लास लगाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ वेदांतो बायोटॉनिक पे पढ़ो। मैं गारंटी लेती हूँ आपके 360 और 360 आएंगे, इसके अलावा सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री। डन, दिस इज माय गारंटी। आपके बोर्ड में आपके फुल मार्क्स आएंगे, आपके नीट में 360 और 360 आएंगे। डन, कल मैं एक छोटा सा ब्लॉग करूंगी। कल मैं एमटीजी के ऑफिस में जा रही हूँ, वहां पर मेरी सेकेंड बुक का फाइनल पब्लिकेशन वाला काम है, तो आई एम गोइंग टू एमटीजी ऑफिस एंड देन आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन द टिप्स ट्रिक्स व्हिच इज द थर्ड बुक व्हिच आई एम राइटिंग। Yes, तो प्लीज बच्चों जस्ट रिमेंबर दिस, डोंट वरी एट ऑल। कूल, चले? यस एवरीबॉडी, चलिए। तो अभी मैं आपको इसकी स्लाइड दिखा रही हूं। आप देख रहे हो साथ के साथ हाउ आई एम डूइंग? आप देख रहे हैं साथ के साथ मैं हैंडमेड नोट्स बनवा रही हूं। एवरीबॉडी कैन यू सी दिस? यस, तो आ जाओ इधर साइलम पे, आ जाओ इधर। तो साइलम किसका बना है? दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। ये कौन से टिश्यूज है? ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है क्योंकि ये एक से ज्यादा चीज से बने हैं। कौन से टिश्यूज हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कितने टाइप के हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसका बना है? जाइलम बना है आपके ट्रेकिड्स का, वेसल्स का, ट्रेकिया जिसे कहा जाता है, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। फ्लोएम किसका बना है? फ्लोएम बना है आपके सीव ट्यूब का, कंपेनियन सेल जो साथ में न्यूक्लियस वाला होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स का। और किसका बना है? फ्लोएम फाइबर्स का। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स? सिंपल टिश्यूज एक चीज के बने। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो देखते हैं चैट सेक्शन में कौन जवाब देता है। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, चलो चलो चलो, लेट्स सी। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल, फ्लोएम फाइबर्स कॉल्ड एज द बास्ट फाइबर्स, लिविंग कॉलेनकाइमा, डेड मैकेनिकल टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा, फोटोसिंथेटिक टिश्यू पैरेन्काइमा। अच्छा, अगर किसी ने आपसे पूछा यार आप बताओ ऐसा कौन सा प्लांट का टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, क्या आंसर दोगे? लैटरल मेरिस्टम। और थर्ड पे लैटरल लिखा है पर थर्ड क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। डन, चलो। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू, मेरिस्टम जो होते हैं वो थ्री टाइप के डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू से? तीन।
आपको ये क्या होता है, ये स्किन है, जो भी चीज आपकी बॉडी को या किसी भी चीज को बाहर से कवर करके प्रोटेक्ट करेगी उसे क्या कहोगे आप, डर्मल टिश्यू। क्या कहोगे, किसी फॉरेन सब्सटेंस को आने नहीं देगी, कभी भी किसी चीज को आकर आने नहीं देगी, प्रोटेक्ट करेगी, उसको क्या कहोगे आप, यू आर गोइंग टू कॉल इट डर्मल टिश्यू। क्या कहेंगे गैंगस्टर्स, क्या कहोगे, यू आर गोइंग टू कॉल इट डर्मल टिश्यू, इट विल कवर एंड प्रोटेक्ट द प्लांट। समझ आ गया, जो भी चीज प्रोटेक्ट करेगी। यस एवरीबॉडी, मॉलिक्यूलर बायो करवा दूंगी, रुत्वी मॉलिक्यूलर बायो करवा रही हूं मैं फ्राइडे को, वन शॉट फुल मॉलिक्यूलर, फुल जेनेटिक्स, फुल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। यस और नो, यस और नो बता दो, आई एम डूइंग फुल वर्क विद यू, ठीक है। 3 दिन में ये टॉपिक करवा देती हूं, उसके बाद मैं तुम्हारा सारा हाफ ईयरली वाला सिलेबस करवा दूंगी, डन। मैं आपका पूरा हाफ ईयरली करवा दूंगी, टेंशन नॉट मेरे बच्चों, मैं आपके साथ हूं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा प्रॉमिस है आपसे, डन। फ्राइडे को मैं 5 घंटे का मैराथन लेके पूरा हाफ ईयरली सिलेबस करवा दूंगी, डन, ओके, आ जाइए। तो डर्मल टिश्यू क्या करता है, कवर एंड प्रोटेक्ट, ऊपर से प्लांट की बॉडी को बाहर से कवर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। वैस्कुलर टिश्यू का, पानी ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, खाना नीचे से ऊपर जाना है, मिनरल शुगर सॉल्ट वाटर, इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, मिनरल शुगर, वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू, मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, बड़ा अमेजिंग एग्जांपल है, मैं आपको भी ये एग्जांपल देना चाहती हूँ, बड़ा ही अमेजिंग एग्जांपल है, और आज तो मैं बहुत अमेजिंग स्लाइड्स आप लोगों के लिए बना के लाई हूँ, डन। हमेशा एक एग्जांपल लेती हूँ, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एग्जांपल है, ये पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगी मैं अभी, पूरा पीडीएफ ये डाउनलोड करके आपको दे दूंगी मैं, डन। ये देखो, ये आपका डर्मल है, आउटर कवरिंग कवर। आप गए बाजार, आपने ऑर्डर कर दिया पनीर मक्खन वाला, क्या ऑर्डर कर दिया, आज मैं खाऊंगा पनीर मक्खन वाला। तो भैया डब्बा होगा, डब्बा होगा, उस डब्बे के कवर में आपको, डब्बे में डाल के देगा उसका कवर, ये कहलाता है आपका डर्मिस कवर। उसके अंदर पनीर के जो टुकड़े होंगे, जाइलम फ्लोएम, पनीर के जो टुकड़े होंगे वो है आपका वैस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम। क्या है आपका, तो जो ग्रेवी होगी, जो बचा हुआ पार्ट है, जो ग्रेवी है, ये क्या आपका ग्राउंड टिश्यू। समझ आया, जो ग्रेवी है वो क्या आपका ग्राउंड टिश्यू। तो कवर क्या कहलाता है, डर्मिस। पनीर के टुकड़े क्या है आपके, वैस्कुलर बंडल, ज़ाइलम फ्लोएम, टुकड़े मोटे मोटे, और जो आसपास पूरी ग्रेवी है, आसपास जो पूरी ग्रेवी है, वो ग्रेवी क्या होती है आपकी, इट इज द ग्राउंड टिश्यू, वो आपका ग्राउंड टिश्यू होता है। समझा, इज दैट क्लियर, वो आपका ग्राउंड टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है बेटा, ग्राउंड टिश्यू। समझ गया एवरीबॉडी, यस। चलिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको करवा दिया। तो डर्मल टिश्यू आपको समझ में आ गया, वैस्कुलर टिश्यू आपको समझ में आ गया, वैस्कुलर टिश्यू आपका ज़ाइलम फ्लोएम है, डर्मल टिश्यू आपका कवर है, और ग्राउंड टिश्यू में आपका पित्त, कॉर्टेक्स, स्टील, जो न्यूट्रिएंट को स्टोर करेगा, ये सब आ जाएगा। आते हैं आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यू पे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप इस डायग्राम पे फोकस करो, आप मुझे बताओ क्या आपको नजर आ रहा है कि सेल्स पास पास है, चलो फटाफट, लेट अस डू दिस गाइस, लेट अस डू दिस इन अ ब्यूटीफुल वे, डन। पहले तो मुझे बताओ क्या आपको नजर आ रहा है, मैम ये तो सेल बहुत पास पास है, ये गिरेगा नहीं स्क्रीन ना, मुझे इस पे ऐसे आराम से इसका आराम से ऐसे पढ़ा रहे हो, ठीक है यार मैम, सेल तो बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं है मैम, बहुत पास पास है, बनाने का मजे लेने का टाइम ही नहीं होता, इनके वैक्यूल्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, समझ आया, कोई वैक्यूल वैक्यूल कुछ नहीं होता, बस साइटोप्लाज्म होता है, और दे धड़ाधड़ डिवाइड करता है। न्यूक्लियस देखो कितना बड़ा है इनका, न्यूक्लियस देख लो कितना बड़ा है, साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, इनके बीच में कुछ नहीं होता, छोटे छोटे सेल होते हैं, या स्फेरिकल होते हैं या पॉलीगोनल होते हैं, बहुत छोटे सेल होते हैं, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, डन, इज दैट क्लियर, यस। वैक्यूल क्या करते हैं, रिजिडिटी, ऐसे रिजिडिटी, जब कोई सेल रिजिड हो जाएगा,
हार्ड हो जाएगा तो वो डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते। वैक्यूल के अंदर पानी भर जाता है, पानी भर के वैक्यूल रिजिड हो जाता है, टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है, डिवाइड नहीं कर पाता, इसीलिए इनके पास वैक्यूल नहीं होते। और इनके पास कोई ऑर्गेनेल भी नहीं होता, इनका सिर्फ एक ही काम है। देखो जब आप नए घर में शिफ्ट होते हो, नया घर है, अभी आपका घर बन भी रहा है थोड़ा, आपका बिल्कुल क्या आपके पास ऐसा फर्नीचर फैला हुआ होता है सारा? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपके पास। होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। तो इनके पास ना ऑर्गेनेल होगा, ना इनके पास ये टोटली, इनके पास वैक्यूल ये टोटली अनडिफरेंशिएटेड है। खूब डीएनए होगा और डीएनए क्या करता रहेगा? डिवाइड। डीएनए क्या करता रहेगा? डिवाइड। और अभी तक डिफरेंशिएट भी नहीं करेंगे, परमानेंट नहीं बन रहे, सिर्फ डिविजन 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 डिविजन। लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए इज देयर। इज दैट क्लियर? चलिए एक एक करके आपको मैं तीनों मेरिस्टमैटिक टिश्यू समझाने वाली हूँ। आपको प्लांट दिख रहा है, इसकी टिप दिख रही है आपको, बस इतना बता दो मैम मुझे इसकी टिप दिख गई, ग्रोइंग टिप। इसकी ग्रोइंग टिप को एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोइंग टिप को। एक टिप एपेक्स इधर, एक इधर। ऊपर के एपेक्स को कहते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टम, नीचे के एपेक्स को कहते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टम। यस मैम, सैम राम कहते हैं सैम राम, शूट अपाइकल मेरिस्टम, रूट अपाइकल मेरिस्टम कहते हैं सैम राम, सैम राम कहते हैं। जो भी टिप पे होता है टर्मिनल या एक्सिलरी, एक्सिलरी बड भी होता है बीच में, देखो ये एक्सिलरी बड लगा हुआ, एक्सिलरी बड, इसको कहते हैं अपाइकल मेरिस्टम, ग्रोथ करवाता है। इसका सिर्फ एक काम होता है, क्या काम होता है? सैम रैम और अपाइकल मेरिस्टम का क्या काम है? ग्रोथ करवाना। जब एक प्लांट को, मैंगो का पेड़ है इतना मोटा हो रहा है, जामुन का पेड़ है मोटा हो रहा है, बरगद का पेड़ है मोटा हो रहा है, नीम का पेड़ है, जब उसको सेकेंडरी ग्रोथ करवानी है, जब उसको डायामीटर बढ़वाना है, तो होगा लैटरल मेरिस्टम, साइड वाला, ये साइड वाला लैटरल मेरिस्टम। टिप पे लगा हुआ अपाइकल मेरिस्टम, साइड पे लगा हुआ लैटरल मेरिस्टम, साइड पे लगा हुआ लैटरल मेरिस्टम, थिकनिंग करवाएगा। और नोड्स के पास, जहां से अगर मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये घास लगी है, ग्रेजिंग काउ आई, ग्रेजिंग एनिमल खा गई ऊपर से, नोड से फिर दोबारा ग्रोथ हुई, फिर ऊपर से खा गई, फिर दोबारा ग्रोथ हुई, फिर ऊपर से खा गई, इंटर कैलोरी मेरिस्टम। नोड्स के बीच में जो लगा है, नोड्स के बीच में जो लगा है इंटर कैलोरी। क्या आपको तीनों चीजें याद हो गई मेरे बच्चों? क्या आपको तीनों चीजें याद हो गई मेरे बच्चों? सच बता दो, बोल दो यस मैम 100। ये क्या है आपका? रूट अपाइकल मेरिस्टम, शूट अपाइकल मेरिस्टम, रूट अपाइकल मेरिस्टम। ये क्या है बच्चों? ये लैटरल मेरिस्टम। और जहां से ये नए पौधे निकल रहे हैं, यहां इंटर कैलरी। 11th क्लास के लेक्चर कब स्टार्ट शुरू होने वाले हैं तनुश्री? मुझे तो जहां तक लगता है ये 11th क्लास के लेक्चर है बेटा। यस एवरीवन, 11th का ही तो लेक्चर करवा रही हूं मेरे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू पूरी चलती। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? देखो, जो भी मेरिस्टमैटिक टिश्यू है वो कहां से ओरिजिनेट करता है? सबसे पहले मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है प्रोमेरिस्टम, एम्ब्रियो से जो निकलता है, जहां से रूट निकलेगी, जहां से स्टेम निकलेगी, जहां से लीव्स के छोटे छोटे पार्ट्स निकलेंगे। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू का भी पापा कौन हुआ? अगर कभी क्वेश्चन आ गया, मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहां से निकलता है? प्रोमेरिस्टम। जो भी चीज प्लांट में पहले आती है, जो भी चीज प्लांट में पहले आती है, उसे कहा जाता है प्राइमरी। प्लांट पहले ऐसा होगा, इसे कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ।
उसके बाद प्लांट ऐसा होगा, इसे कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। समझ में आया? हमेशा प्लांट पहले ऐसे उगेगा, इसे कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ, फिर प्लांट ऐसे उगता है, इसे कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी मेरिस्टम प्रो मेरिस्टम से निकलता है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो है वो किससे निकलता है? प्रो मेरिस्टम। किससे निकलता है मेरे बच्चों? प्रो मेरिस्टम से निकलता है। किससे? प्रो मेरिस्टम से। फिर सबसे पहले ऑर्डर देखो, सबसे पहले निकलता है प्रो मेरिस्टम, प्रो मेरिस्टम से प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी से रूट अपिकल मेरिस्टम, शूट अप, और प्राइमरी से निकलेगा सेकेंडरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। जो सेकेंडरी टिश्यू है इससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। देखो प्राइमरी ग्रोथ पता क्या होती है? कोई भी चीज अगर ऐसे उग रही है ऊपर को जाती है, इसको कौन सी ग्रोथ का हो गया? पहले ये ग्रोथ होगी, पौधा लंबा होगा, इसे कौन सी ग्रोथ बोलोगे? प्राइमरी। फिर धीरे धीरे उसकी डायमीटर इंक्रीज होगा, डायमीटर इंक्रीज होने को कौन सी ग्रोथ बोलोगे बताओ? डायमीटर गर्थ इंक्रीज होने को कौन सी ग्रोथ बोलोगे? सेकेंडरी ग्रोथ। ये टॉपिक तुम्हारे हाफ ईयरली में आ रहे हैं? ये टॉपिक तुम्हारे हाफ ईयरली में आ रहे हैं? येस और नो? लैटरल ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। नहीं भी आ रहा तो कर लो, तुम्हारा जो हाफ ईयरली वाला एग्जाम है ना, उस सारे एग्जाम को मैं तुम्हें वन शॉट में करवा दूंगी। डन? तीन दिन में, आज आधा हो गया, कल थोड़ा और, परसों। डन? तो सेकेंडरी मेरिस्टम जो है वो सेकेंडरी टिश्यूज करवाता है बेटा, सेकेंडरी टिश्यूज। अब देखो ये तुम्हारी एनसीईआरटी है, मैंने तुम्हें टिश्यू की डेफिनेशन करवाई, उसके बाद तुम्हें मेरिस्टमैटिक टिश्यू करवाए, अपाइकल मेरिस्टम कराया, एक्सिलरी बड कराया, इंटरकैलरी मेरिस्टम कराया, प्राइमरी मेरिस्टम कराया, सेकेंडरी मेरिस्टम करवाया, और मैंने तुम्हें परमानेंट और मैच्योर सेल करवाया। करवा दिया परमानेंट सेल? करवा दिया। मैं एनसीईआरटी को भी एकदम निचोड़ के पिला रही हूं बेटा तुम्हें। पत्ता जहां से बनता है, जिस जगह से पत्ता बनेगा लीफ प्राइमोर्डियम, जिस जगह से फूल बनेगा फ्लोरल प्राइमोर्डियम। ये है डंडी, अपाइकल मेरिस्टम, ये डंडी निकल गई, और जो उसके साथ निकलेगा एक्सिल, लीफ एक्सिल से निकलने वाला एक्सिलरी मेरिस्टम। सारे टिश्यू एक ही जगह से निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिमिलर ओरिजिन। चलो चक दे फट्टे आंसर करते हैं। रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग, 100% PYQ है। PYQ बताओ, घास द्वारा क्यों उगती है? हकुना मटाटा बताओ, जल्दी बताएं। परफेक्टो द जिलेटो, इंटरकैलोरी। लैटरल मेरिस्टम से गर्थ उगती है, अपाइकल मेरिस्टम से टिप उगती है, सेकेंडरी मेरिस्टम तो गर्थ करवाती है, इंटरकैलोरी मेरिस्टम। नेक्स्ट, इनमें से लैटरल मेरिस्टम कौन सा नहीं है? कॉकेमियम, इंटरफैसिकुलर केमियम, पढ़ाया नहीं अभी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। फेलोजन लैटरल मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करवाएगा, इंटर कैलोरी। देखो तीन है, कॉर्क क्या होती है? बार्क। इंटर इंट्रा बन के एक रिंग बन जाती है, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। मैं चाहती थी, मैंने पता है क्यों डाला था, कि तुम एक्सक्लूड कर पाओ इनमें से कौन सा लैटरल मेरिस्टम नहीं है। एक्सक्लूड करो, चलो एक्सक्लूड करो, चलो चलते फटे एक्सक्लूड करना सीखो, चलो फटाफट एक्सक्लूड करो। फेलोजन, फेलम, कॉर, केमियम, इंटर, यस, इंटर कैलरी। प्राइमरी है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। वेरी 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 वेल डन, कम ऑन गाइस। एंड गाइस ये कौन करेगा? हुज गोना मेक श्योर दैट यू लव विदाउट टू बायोटॉनिक, हुज गोना मेक श्योर दैट यू सेंड बैक योर लव टू वानी मैम, कौन करेगा? हु इज गोइंग टू सेंड बैक योर लव टू वानी मैम, प्लीज बताइए। तो बेटा प्राइमरी सेल्स मैंने आपको बोल दिए, मैंने आपको पढ़ा दिया, जो मेरिस्टमैटिक सेल्स वो होते हैं जो कंटिन्यू टू ग्रो करते हैं।
पर कई सेल ऐसे होते हैं जिनकी एबिलिटी लूज होगी, वो हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी, ग्रो नहीं करेंगे, अब ये परमानेंट काम करेंगे, बॉडी में इनकी एक फिक्स्ड पोजीशन हो गई है, ये परमानेंट टिश्यू है। जिन परमानेंट टिश्यूज के एक टाइप के सेल होते हैं उनको सिंपल परमानेंट कहा जाता है, पैरेन्काइमा जो ग्रीन कलर के होते हैं, कोलेनकाइमा जो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा जो डेड मैकेनिकल टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा आगे चल के दो चीजों के बने होते हैं, स्टोन सेल्स और स्क्लेरेंस। इसके अलावा होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो मल्टीपल चीजों के बने हैं, जैसे जाइलम बना है वेसल्स का, जैसे जाइलम बना है ट्रेकेस का, जैसे जाइलम बना है फाइबर्स का, जाइलम बना है जाइलम पैरेन्काइमा का, इनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। और है फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम बना है सीव ट्यूब का, फ्लोएम बना हुआ है कंपेनियन सेल का, फ्लोएम बना हुआ है फ्लोएम फाइबर्स का, फ्लोएम बना हुआ है फ्लोएम पैरेन्काइमा का। तो कॉम्प्लेक्स वो चीजें हैं जो मल्टीपल चीजों के जुड़ने से बनती है। चलिए सबसे पहले आपको दिख रहा है सिंपल मैकेनिकल टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले है पैरेन्काइमा। आप बताइए आपको पैरेन्काइमा किस कलर का नजर आ रहा है? क्या मेरे सारे बच्चों को पैरेन्काइमा ग्रीन कलर का नजर आ रहा है? जो पत्ता है, पत्ते के अंदर कौन भरा होता है? पैरेन्काइमा भरा होता है। पैरेन्काइमा ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का टिश्यू क्या करेगा? ग्रीन कलर का टिश्यू फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बनाएगा, स्ट्रेंथ नहीं देगा। इसका काम है प्लांट के लिए एनर्जी बनाना, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू स्टेम में होते हैं, लीफ में होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। अगर मैं पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर हवा भर दूं, मान लो किसी प्लांट को फ्लोट करना है, लोटस जो है वो फ्लोट कर रहा है, पिस्टिया जो है वो फ्लोट कर रहा है, आइकॉर्निया जो है वो फ्लोट कर रहा है, अगर मैं पैरेन्काइमा के अंदर हवा भर दूं, क्या मैं उस टिश्यू को एरेन्काइमा कह सकती हूँ? उसके अंदर मैंने हवा भर दी, पैरन के अंदर एयर भर दी, क्या उस टिश्यू को मैं एरेन्काइमा कह सकती हूँ? थैंक यू विनायक जी, यस डन एवरीबडी। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेम ऑफ द रूट में सॉफ्ट टिश्यू होता है, क्योंकि बहुत लूज सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में थोड़ी बहुत जगह होती है, टोमेटो में, ग्रेप में। जो आपको मैंने बोला कि मैं पनीर खाने का मन कर रहा है, तो पनीर एक डब्बे में आएगा ना बाजार से, जोमेटो के डब्बे में आएगा पनीर, वो डब्बा हुआ एपिडर्मिस, पनीर हुआ जाइलम फ्लोएम, जो भर रहा है, जो पनीर की ग्रेवी है, जो तरी है, जो ग्राउंड टिश्यू है, वो होगा पैरेन्काइमा। एम आई क्लियर? जो भर रहा है, जो तरी है, जो ग्राउंड टिश्यू है, वो होगा पैरेन्काइमा। फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन को स्टोर करेगा। एम आई राइट? फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन को स्टोर करेगा, लीफ में होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, इनके अंदर स्टार्च भर दी जाएगी, ये स्टेम में होगा, it is going to do photosynthesis. Are you all understanding what I'm saying? Everyone in my class, mere sare students ko nazar aa raha hai, samajh aa raha hai, is that clear everyone? Photosynthesis karega, leaf mein store, starch store karega. Kitni amazing slides hai, isse better slides agar kahin mil jaye main padhana chhod dungi, main sach bata rahi hu. कॉपी करो एवरी वर्ड, पीडीएफ दे दूंगी मैं। सबसे बड़ी बात, इन सेल्स की वॉल थिन होगी, इन सेल्स की वॉल थिन होगी, यस और नो? ऐसी स्लाइड कहीं नहीं मिलेगी फ्री में, बता रही हूं मैं आज अभी। थिन वॉल्ड सेल्स, कहीं ऐसे नोट मिल जाए तो बता देना, इतनी मेहनत लगती है भाई ये बनाने में, करने में, और फ्री में एक एक बच्चे को डिलीवर करने में। यस और नो? एवरीथिंग इज फॉर फ्री, ये आपका चैनल है, एक एक चीज फ्री में और सब कुछ इतनी अमेजिंग स्लाइड्स में आपको पढ़ाया जा रहा है। डन? चलिए, तो थिन वॉल्ड सेल्स है, पतले पतले सेल, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, उन्हीं स्पेसेस में कई बार हवा भर जाती है। इन सेल्स के अंदर मोटे मोटे बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। अगर इन सेल का कलर ग्रीन है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इस सेल को क्या बोलूंगी मैं? अगर इस सेल का कलर ग्रीन और ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो मैं उसे क्या बोलूंगी? मैं उसे बोलूंगी क्लोरेनकाइमा, तुम तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हो। कई पैरेन्काइमा सेल्स डिवाइड करते हैं, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है? पतली पतली वॉल्स है, इसलिए बहुत पास 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 आ जाते हैं, ठीक है? बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है, तो स्पेस के थ्रू डिफ्यूजन होता है, गैस अंदर बाहर चली जाती है, कई बार आयंस अंदर बाहर चली जाती है, गैसेस अंदर बाहर चल जाती है, सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को, स्टार्च स्टोर करते हैं,
फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे, स्टोर करेंगे. कहीं कट लग गया पौधे को, चोट लग गई, एनर्जी चाहिए, फटाफट फोटोसिंथेसिस करके नए सेल बना देंगे, रिप्लेस कर देंगे डैमेज सेल को. आयंस को कई बार स्टोर करते हैं, हवा को स्टोर करते हैं, क्लोरीन काइमाएं है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एरन काइमाएं हवा को स्टोर करके प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं. बहुत अमेजिंग सेल है, प्लांट को इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है. व्हाट अ ब्यूटीफुल कितना हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, एरेनकाइमा. पैरेनकाइमा क्या बन जाएगा? एरेनकाइमा एयर स्पेसेस में फ्लोट करने में हेल्प करेगा. कट करो, बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस निकलेंगी. यस और नो? यस, थैंक्स नॉर्मन. एक तरफ फोटोसिंथेसिस करेगा, जो फोटोसिंथेसिस करेगा क्लोरेनकाइमा, दूसरी तरफ फ्लोट करने में हेल्प करेगा, जो फ्लोट करने में हेल्प करेगा क्योंकि इनके स्पेस के बीच में हवा भर गई, एरेनकाइमा बुयोंसी में हेल्प करेगा, फ्लोट करने में होगा, जूसिया में होगा, निम्फिया में होगा, निलंबो में होगा, आइकॉर्निया में होगा, पिस्टिया में होगा. लिखो, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार प्लांट को कट किया, व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है. कितने बच्चों ने सर्दियों में गोंद के लड्डू खाए, पंजीरियां बनी है घर में गोंद के लड्डू वाली, बोल तो रही है रेज कर दो, इस साल तो मेरे घर भी आ जाने चाहिए, एड्रेस दे दूंगी, बताओ. गोंद के लड्डू खाए, कितने बच्चों के घर में सर्दियों में गोंद के लड्डू बने, बता दो. अरे एनसीईआरटी साहिल, मैं माफी तो करवा रही हूँ साहिल पॉल. यस, गोंद के लड्डू खाए. तो कई बार आप प्लांट को जब कट करते हो, उसके अंदर से व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, रेजिंस निकलती है, रेजिंस, टैनिंस, गम, ऑयल. ये जिस सेल के अंदर रेजिन, जो गोंद गोंद होता है, जो टैनिन होता है, ऑयल वगैरह सेव होता है, उस सेल का नाम होता है ईडियोब्लास्ट. क्या नाम होता है बच्चों? ईडियोब्लास्ट. ईडियोब्लास्ट मैं पूरा करवा दूंगी साहिल, मैं एनसीईआरटी भी मार्क करवा दूंगी. व्हाट अ ब्यूटीफुल फोटो, दिख रहा है ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल? देखो ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं सारे बच्चों को? दिख रहे कि नहीं दिख रहे बताओ, दिख रहे? क्लोरेनकाइमा. कई बार पैरेनकाइमा सेल्स ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे पत्ता. द मीसोफिल ऑफ द लीफ इज क्लोरेनकाइमा. यस एवरीवन, गार्गी फ्लोट करने वाला सेल एरेनकाइमा. तो पैरेनकाइमा के दो टाइप्स करवा दिए आपको, क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा. धनिया की डंडी देखी है, सेलरी की स्टिक देखी है, पत्ता देखा है? कई बार देखो अगर पीपल का पत्ता होगा, बीच का रह जाएगा, बाकी आसपास का सारा पत्ता गल जाएगा, क्योंकि उसके पास होगा कोलेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा, जो स्ट्रेंथ देता है. पत्तों के मार्जिन में होता है, इसलिए सब कुछ झड़ जाता है, पर पत्ते का मार्जिन रह जाता है, पत्ते का पूरा मार्जिन रह जाएगा. धनिया की डंडी, आपकी मूली की डंडी, मूली के पत्तों की डंडी, कोलेनकाइमा. थिन वॉल्ड होते हैं, पर आपको दिख रहा है कॉर्नर्स आर थिकेंड, कॉर्नर में थिकनिंग होगी, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू विद कॉर्नर में थिकनिंग. कैन यू सी दिस? कॉर्नर में थिकनिंग होगी. शूट्स और लीव्स ऑफ प्लांट्स में होगा, सेलरी में होगा, लीफ के मार्जिन में होगा, कॉर्नर में थिकनिंग होगी. दैट इज कॉल्ड द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू. स्ट्रेंथ देगा, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्स. मैंने आपको क्या बोला था पहले? पत्ता झूल रहा है, झूल रहा है, झूल रहा है, झूल रहा है, फिर भी नहीं टूट रहा है. फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोलेनकाइमा. थिन वॉल्ड है, कोनों पे थिकनिंग है. थिकनिंग किसकी है? सेलुलोसा पे. किसकी थिकनिंग है माने, मैं आपको बता दो आज, किसकी थिकनिंग है? अगर लिग्निन की थिकनिंग होगी, अगर सुबेरिन की थिकनिंग होगी, पत्ता मर जाएगा, डेड मैकेनिकल टिश्यू. थिकनिंग है सेलुलोस की, थिकनिंग है पेक्टिन की, सेलुलोस और पेक्टिन की थिकनिंग है. यस और नो? आज की स्लाइड्स कैसे लगे मुझे चैट सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन पे चाहिए. कम ऑन गाइस, लव. पॉलीगोनल सेल है, थिकनिंग है कोनों पे, किसकी थिकनिंग है? सेलुलोस और पेक्टिन, डेड मैकेनिकल टिश्यू. दिख रहा है वर्ड? हार्ड, स्टिफ फाइबर्स,
ग्रिटी सेल्स, स्टोन सेल, इनको ग्रिट सेल भी कहते हैं, किसके सर पे मार दिया बेचारा मर गया। हार्ड स्क्लेरिक्स फाइबर्स, इसकी थिकनिंग है लिग्निन। लिग्निन पानी को आने नहीं देगा, सेल मर जाएगा। लिग्निन की थिकनिंग है, सिलेंड्रिकल शेप सेल्स है, लिग्निन की थिकनिंग है। ये दिख रहा है ग्रिटीनेस, हार्ड। अमरूद का बीज खाया कच 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 कच, ग्रिटीनेस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, हार्ड, डेड मैकेनिकल टिश्यू, मर जाएगा प्लांट, इट इज अ डेड मैकेनिकल टिश्यू। कैसी लगी स्लाइड्स बता दीजिए। कॉलेनकाइमा इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा इज द डेड मैकेनिकल टिश्यू। अगर स्क्लेरिड्स एक जैसी शेप हो, गोल 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 गोल, ब्रैकिस्क्लेरिड्स मोटे मोटे स्क्लेरल, रॉड कॉलम शेप्ड, मैक्रोस्क्लेरिड्स अगर हड्डी की तरह शेप हो, भाई पूरी बोन, ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, स्टार की तरह शेप हो, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, बाल की तरह शेप हो, ट्राइकोस्क्लेरिड्स, यस, फाइबर दिख रहा है आपको, पतले लंबे लंबे फाइबर्स, पॉइंटेड है, कोने दिख रहे हैं दोनों कोने, पॉइंटेड, पॉइंटेड दिख रहा है, पॉइंटेड, ऊपर से नीचे किसका बना हुआ है, पॉइंटेड एंड्स किसका बना है, लिग्निन, लिग्निन बंडल्स में लगे हुए हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, थोड़ी इलास्टिसिटी वगैरह देते हैं, पर ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। आई विल रिप्लाई बैक ऑन टेलीग्राम, डोंट वरी, दैट इज कॉल्ड द फाइबर। तो स्क्लेरेनकाइमा के दो पार्ट्स क्या है, स्क्लेरेनकाइमा के दो पार्ट्स क्या है, वानी मैम को बताओ, क्या स्क्लेरेनकाइमा में एक तरफ स्क्लेरिड और एक तरफ फाइबर है? स्क्लेरिड राउंड होता है, पियर में होता है, एप्पल में होता है, एक तरफ फाइबर और एक लंबा फाइबर, गोल स्क्लेरिड, दोनों क्या देंगे, दोनों क्या देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, क्या देंगे, स्ट्रेंथ। पैरेनकाइमा क्या, मैंने आपको पूरा पढ़ाया, ओवल राउंड पॉलीगोनल इलोंगेटेड। कॉलेनकाइमा वानी मैम ने पढ़ाया, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ाया, फाइबर्स पढ़ाया, ग्वावा पियर सपोर्टा पढ़ाया, पैरेनकाइमा ग्रीन है, कॉलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, सिर्फ देखिए कोनों में, सिर्फ कॉर्नर्स में दिख रहे, सिर्फ कॉर्नर्स में थिकनिंग है, यस और नो, और सेम डायग्राम कराया आपको मैंने। एंड अब कीजिए आप क्वेश्चन, सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, एक्सेप्ट ओपी, एक्सेप्ट सिंपल सिंपल सिंपल, पैरेनकाइमा कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा क्लोरेनकाइमा, सिंपल डी, यस ऑब्वियसली पैरेन कॉलेन स्क्लेरन, तीन पार्ट्स है। Which of the following is not the function of parenchyma? वो तो parenchyma का part है. Chlorinated is part of parenchyma. Not the function of parenchyma. No.